तो लोकसभा चुनाव देश का भविष्य निर्धारित करता है, विधानसभा चुनाव राज्य का भविष्य निर्धारित करता है, और पंचायत चुनाव ग्राम पंचायत का भविष्य निर्धारित करता है। तो 2024 में हमारे देश किस प्रकार चलेगा, देश का भविष्य किस प्रकार निर्धारित होगा, सब पार्टी मिलकर मंथन कर रहे हैं कि देश को कहाँ ले जाना चाहिए और कहाँ ले जाएंगे हम लोग। सभी पार्टियाँ 2024 में देश के भविष्य को लेकर बहुत चिंतित हैं। शायद आप चिंतित नहीं होंगे, आप भी चिंतित हैं, चलिए अच्छी बात। और 2024 में जो चुनाव होने वाला है, यह देश की दिशा और दशा निर्धारित करेगी। कब तक? 2024 में पांच और दे दी, 2029 तक देश का क्या होगा भविष्य, 2024 का लोकसभा चुनाव बताएगा, निर्धारित करेगा। परंतु सबसे बड़ी बाधा यह है कि देश की पार्टियां आपस में उलझ चुकी हैं नाम को लेकर। आपको शायद मालूम होगा, नहीं मालूम है तो कोई बात नहीं, जानने की जरूरत भी नहीं हमें। हम तो बस इतना हमें चाहिए कि हमारे और आपके थाली में सही से खाना पहुंच जाए और काम करने के लिए मिल जाए, इससे ज़्यादा कोई ज़रूरत है नहीं है। लेकिन आज की जो पार्टियां हैं, जो नाम को लेकर गहमा गहमी मचाई हुई है, कौन किस पर भारी है ये साबित करने पर लगी हुई है, क्योंकि देश का दिशा निर्धारित करना, देश का भविष्य निर्धारित करना है आगामी 5 साल के लिए। तो गहमा गहमी के बीच में एक नाम का एक बड़ा मुद्दा आ गया है, वह मुद्दा है कल तक UPA और NDA की लड़ाई होती थी चुनाव में, लेकिन आज UPA का अस्तित्व नहीं। बुरा मत मानिएगा, अस्तित्व है लेकिन वजूद नहीं रहा। UPA की जगह पे आज इंडिया का बोलबाला है। अरे इंडिया का बोलबाला तो बरसों से था, लेकिन वो इंडिया नहीं, पार्टी, कुछ पार्टियां मिलकर अपने दलगत समूह का नाम INDIA रखी है, जिसे लेकर एक दूसरी पार्टियां इस मुद्दे पे इतना उलझ गई है कि मेन जो मुद्दा है भारत का, भारत के भविष्य के निर्धारण का, वो भूल चुकी है। हम सांसद चुनेंगे और सांसद हमारे देश के भविष्य निर्धारण कर्ता चुनेंगे, जो देश को एक गति प्रदान करेंगे, देश में, विश्व में देश की स्थिति क्या होगी इसको स्थापित करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी समस्या है कि लोग, सभी पार्टियां उलझी हुई है नाम के बीच में। अरे नाम मायने नहीं रखता है, काम मायने रखता है, काम से नाम बोलना चाहिए।